चलो चलो भाई, हम लोग शुरू करते हैं। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्यूरेटली कैप्चर्स इंडिया पोजीशन ऑन टॉर्चर? तो ये वाला बी है, इंडिया हैज साइन द यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर बट हैज नॉट रेटिफाइड इट। इसका बी वाला आंसर है ना, इसको आप बी कर लेना। नॉट मच इम्पोर्टेंट, ये कुछ अलग ही आ गया। बासमती राइस का वो एग्जाम्पल पूछ रहे हैं कि किस टाइप का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपने पढ़ाई होगी, चीजों को आप जानते हो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी किसे कहते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी समथिंग की जिसको आप टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, इस टाइप के प्रॉपर्टी को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कई टाइप के होते हैं, कॉपीराइट, सीक्रेट ट्रेडमार्क, डोमेन नेम, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। तो बोले बासमती जो है किस टाइप का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, तो ये ए वाला ऑप्शन करेक्ट है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप तो देख सकते हैं, कॉमन सेंस का ये क्वेश्चन है। पार्ट 8 में भारतीय संविधान के वो कह रहा, पार्लियामेंट इज इम्पावर्ड टू क्रिएट लोकल लेजिस्लेचर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फॉर सर्टेन यूटी। भाग 8 में भारतीय संविधान के पार्लियामेंट को ये पावर है, शक्ति है कि भाई लोकल लेजिस्लेचर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसी यूटी के लिए वो क्रिएट कर सकता है लेजिस्लेचर। वो कह रहा है नेम द यूटी या टेरिटरीज इन इंडिया दैट हैव अ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। कह रहा है ऐसी यूटी का नाम बताइए जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है। बताइए कहाँ कहाँ पे है कि जहाँ पे मंत्रालय है, बकायदा लेजिस्लेटिव असेंबली है, बताइए। सी वाला करेक्ट ऑप्शन है ना, दिल्ली में है, पॉन्डिचेरी और जम्मू एंड कश्मीर, ये सब यूटी ही है। लेकिन पहले के हिसाब से अगर मैं बात करूं, अभी तो देखो जम्मू एंड कश्मीर का थोड़ा अलग स्टेटस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज द ओनली जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट? ये वाला मैंने बताया था शायद आपको कि कौन ऐसा बंदा है, कौन इनमें से निम्न में से है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज भी रह चुके हैं और वो वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं इंडिया के। जस्टिस ए एम राय हैं, जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्ला हैं, जस्टिस पतंजलि शास्त्री हैं, जस्टिस पी एन भगवती हैं। तो इनमें से कौन है, ये हमने एक बार बता चुका हूं मैं, मुझे जहां तक याद आ रहा है। ये इस टाइम के क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज भी रहे और वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं। बताइए भाई, सर बी बी ऑप्शन मोहम्मद ऑप्शन सही है। हाँ, हिदायतुल्ला। ये रह चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट, हु रिप्लेस्ड जस्टिस रूथ बदेर गिन्सबर्ग ऑन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनियन स्टेट्स? बताइए भाई। तो ये सी वाला ऑप्शन है, ये आपको नहीं आएगा मुझे पता है, एमी कोने बेरेट। ये अलग ही क्वेश्चन है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोजिशन इज नॉट प्रोवाइडेड फॉर इन द कॉन्स्टिट्यूशन? हाँ, इस टाइप का क्वेश्चन भी आया एक बार, हरियाणा में ही आया कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में पोजिशन नहीं है, जैसे अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया देखते हो, तो इनमें से कौन सा है कि जो कहते हैं कि भारतीय संविधान के द्वारा ये पोजीशन प्रोवाइड नहीं किया गया, कौन सा है? सर सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है ना, ये कौन अपॉइंट करता है भाई? चलो नहीं है भारतीय संविधान में मान प्रेसिडेंट लिया। हाँ जी, सर नहीं, ये पार्लियामेंट कमेटी होती है जिसके चेयरमैन जो प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं, उनके द्वारा जो है ये अपॉइंट होते हैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है जी। अच्छा, क्या काम होता है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया का? क्या काम होता है ये भी मैंने बताया था। देखो, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया का काम ये होता है, जब कोई न्यू लॉ आता है, न्यू ड्राफ्ट होता है, तो इनको ये रिव्यू करते हैं टाइम टू टाइम। कोई एक्ट जैसे सीपीसी में, इनको लगा यार ये फॉर्म ये है, ये बदलना चाहिए, चेंज होना चाहिए, ये एडवाइस करते हैं कमिटीज को, है ना, ये इनका ये सब काम होता है, लॉ पे ही काम होता है बेसिकली। इन कुलभूषण जाधव केस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान बिफोर द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है भाई, कुलभूषण जाधव केस का आपको पता है, इंडिया पाकिस्तान के बीच ये केस था, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चल रहा था। द 15-1 मेजोरिटी फाउंड पाकिस्तान टू बी इन वायलेशन ऑफ ऑब्लिगेशन। 15-1 के मेजोरिटी से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने पाया कि ये जो है पाकिस्तान ने
इंटरनेशनल लॉ के एक इंस्ट्रूमेंट को या एक रूल को तोड़ा है, वायलेट किया है? निम्नलिखित में से कौन सा रूल था जिसको पाया गया कि पाकिस्तान ने तोड़ा? वीना कन्वेंशन ऑन कंसुलर रिलेशन, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, यूनाइटेड नेशन स्टैंडर्ड मिनिमम रूल्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर्स, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर। कौन सा रूल तोड़ा था पाकिस्तान ने? ये पहला है, वीना कन्वेंशन ऑन कंसुलर रिलेशन, ठीक है, ये वाला। तो ये आप याद कर, इस रूल को, इसका वायलेशन किया गया था, इस ऑब्लिगेशन। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? अब निम्नलिखित में से बताएं, निम्नलिखित में से कौन सा जज नहीं रह चुका है सुप्रीम कोर्ट का? जस्टिस आर बानुमति, इनका नाम आपने सुना होगा, ये रह चुके हैं जज। जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा, ये भी रह चुके हैं। जस्टिस मंजुला सेल्लूर, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, रंजन प्रकाश देसाई, पता कौन जज? सर नहीं, सी होगा। सी ये कह रहे हैं, जस्टिस मंजुला सेल्लूर, ठीक है, चेल्लूर, गुड। कह रहे हैं, मुझे किस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपहेल्ड किया कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन थ्रू द मीडियम ऑफ इंटरनेट इंजॉयज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 19(1)(a)? यानी कि इंटरनेट को भी आप बंद उंद नहीं कर सकते, इंटरनेट के माध्यम से भी अगर इंटरनेट को बंद कर दो तो माना जाएगा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का वायलेशन हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है, जो हर नागरिक को मिला है। तो किस जजमेंट में कहा गया ये? अर्जुन गोपाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2019, मरतंदा वर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2021, चंदन दास वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, अनुराधा भासिन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2020, बताइए। अनुराधा भासिन ये था, ठीक है, ये था अनुराधा भासिन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये भैया केस याद कर लो, क्योंकि केस इंटरनेट से जुड़ा हुआ है और अच्छा केस है, ठीक है, अच्छा पॉइंट है, तो आ सकता है आपकी एग्जामिनेशन, अनुराधा भासिन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमीशन द कमीशन दैट ड्राफ्टेड द आईपीसी 1834 में वाज हेडेड बाय, किसके द्वारा हेडेड हो रही थी वो जो कमीशन अभी आईपीसी को ड्राफ्ट की थी? बर्नस पिकॉक, टीबी मैकॉले और स्टफर्ड क्रिप्स, विलियम जोन्स, सर मैं कॉलेज हाँ ये थे, है ना, बी वाला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट, विच स्टेट फर्स्ट एडॉप्टेड द पंचायती राज सिस्टम इन 1959? कौन सा राज्य सर पहली बार राजस्थान पंचायती राज? सर। राजस्थान, वेरी गुड, 1959, बहुत अच्छे। चलो आगे देखते हैं, मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या है जज की सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सर की? 34 34, पक्का 34 है? यस सर, क्या आप यस चीफ सर, जस्टिस ऑफ इंडिया को मिला के बता रहे हैं, उनको छोड़ के बता रहे सर मिला के मिलाकर हैं? चलो, 34। हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड चेयरपर्सन ऑफ न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर? न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर के, ठीक है, ये अगर हरियाणा का जा रहे हो देने तो बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं बनता, लेकिन ठीक है, देख लेते हैं। ये तो कुछ बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, सेंटर है, कमीशन है ना, उनके कौन क्या है चेयरमैन ना भैया, देख लो एक बार चुपचाप। जस्टिस हेमंत गुप्ता है, मैं बता दे रहा हूँ। हु हैज रिसेंटली सॉन ए चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जुडिकेचर गुजरात? गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अभी हाल फिलहाल में किन किनको बनाया गया? सुनीता वेरी गुड, ठीक है, तो ये अगर कोई हाल फिलहाल में बना हो तो उसको भी देख लो ना, ये वाला करें। हु हैज ऑथर्ड द बुक 10 जजमेंट दैट चेंज्ड इंडिया? एक बुक, पुस्तक है, पुस्तक का नाम है 10 निर्णय जो कि भारत को बदल दिया, 10 जजमेंट दैट चेंज्ड इंडिया, किसने लिखा था, कौन है ऑथर उसका? जिया मॉडी, जस्टिस आर एम सहाय, पाली एस नरीमन, जस्टिस राजेंद्र सच्चर। जिया मॉडी ये है ना, बुक कभी पूछ लेता है हरियाणा में या यूपी में, बुक कभी पूछ पाछ लेता है ना, जो फेमस थोड़ा बहुत देख लेना। विच अमंग द फॉलोइंग जजेस अथॉर द मेजोरिटी ओपिनियन इन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वर्सेस सतीश 2021, वेर इट वॉज हेल्ड दैट मेन इंग्रेडिएंट ऑफ ऑफेंस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट अंडर सेक्शन 7 ऑफ द एक्ट वाज सेक्सुअल इंटेंट एंड नॉट स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट? ये वाला आपने सुना होगा, जब या वो केस आया था ना कि भाई टच उच हो जाए तो वो सेक्सुअल असॉल्ट नहीं होता, बच्चे सर के कर ए देते हैं तो हाँ, तो वही सेक्सुअल असॉल्ट नहीं होता जब तक कि सेक्सुअल इंटेंट ना हो, सामने वाले का मकसद, इंटेंट, इरादा ना हो सेक्सुअली। सेक्शन 7 जो आप पढ़ते हो पॉक्सो में,
तो अब छू जाए, टच हो जाए, तो उसका मतलब ये नहीं कि सेक्सुअल असॉल्ट हो गया, है ना। सेक्सुअल असॉल्ट करने के लिए सेक्सुअल इंटेंट चाहिए। ये एक केस में कहा गया था, केस का नाम है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वर्सेस सतीश 2021। अब कह रहे निम्नलिखित में कौन सा जज ये ओपिनियन दिया था, जस्टिस यूएल ललित, है ना। ये आला भैया, आप देख ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2019 किसने बनाया, किसने तैयार किया था, किसने प्रिपेयर किया ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2019? हु हैज प्रिपेयर्ड द ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2019? ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये आप याद करो, ये इनके द्वारा प्रिपेयर किया गया। अब वो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंसेस कैन बी प्रोसिक्यूटेड अंडर न्यूली इलेक्टेड फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंस एक्ट 2018। एक नया एक्ट आया है जिसका नाम है फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंस एक्ट 2018। वो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अपराध है जो इस एक्ट के द्वारा प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। अपराध क्या क्या है, चार अपराध आपके सामने रखे गए। इकोनॉमिक ऑफेंस, 100 करोड़ या उससे ज्यादा का पैसा इन्वॉल्व है उसमें शामिल है। दूसरा चेक का डिसऑनर होना, तीसरा मनी लॉन्ड्रिंग, चौथा बेनामी ट्रांजेक्शन। तो ये जो एक्ट है फिक्टिव इकोनॉमिक ऑफेंस एक्ट 2018, बताइए। ये भैया सारे ऑफेंसेस को डील करता है, ठीक है, सारे किन्हीं सारे ऑफेंसेस इसमें डील किए जा सकते हैं। तो बी वाला ऑप्शन सही है, ए बी सी डी। चलो, हु इज हेडिंग द 5 मेंबर कमिटी सेटअप टू एग्जामिन द इश्यू रिलेटेड टू फ्रेमिंग ऑफ ए प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग ऑफ इंश्योरेंस कवर टू द एडवोकेट्स एंड प्रोवाइडिंग ऑफ इंश्योरेंस कवर टू द एडवोकेट्स एंड ऑल्सो सजेस्ट मोडालिटीज फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सच स्कीम। ठीक है, ये आलोक श्रीवास्तव है। तो भैया इंश्योरेंस अभी एडवोकेट का बना है ना, कुछ इसमें इंश्योरेंस मिलते हैं, बनाया गया भाई कि प्रॉपर स्कीम होनी चाहिए। अपने अपने बार में जहां जहां आपने करवाया वहां ले लो, इंश्योरेंस स्कीम भी होता है वहां पे, तो ले लो आप। एक प्रोफेशनल भी मिलता है इंश्योरेंस, जैसे किसी काम वाम कर रहे हो उसका नुकसान हो गया, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में आपको केस उस कर दिया आपको, तो उसका भी इंश्योरेंस होता है। एक होता है आप बीमार हो गए या कुछ खुदा नखास्ता हो गया तो आपकी फैमिली को फिर पैसा मिलता है, वो वाला इंश्योरेंस। द कॉन्स्टिट्यूशन 103rd अमेंडमेंट बिल 2019 सीक्स टू अमेंड, क्या है भाई बताइए इसमें। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के बारे में सर, पंद्रह आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16, सोलह तो डी आर्टिकल ऑप्शन 15 एंड 16 इकोनॉमिक वीकर सेक्शन डी वाला है, 103 इससे रिलेटेड है। ठीक है, अच्छा, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये हेल्ड किया कि वुमेन ऑफिसर्स आर ऑल्सो इंटाइटल्ड टू परमानेंट कमीशन इन, कि औरतों इंडियन को, आर्मी। हाँ कहाँ पे, इंडियन आर्मी, ठीक है, इंडियन आर्मी में वुमेन को भी परमानेंट कमीशन पे इंटाइटल है, उसके हकदार हैं, तो इंडियन आर्मी में ये बोल, इंडियन आर्मी के लिए बोला है सुप्रीम। तो बी वाला ऑप्शन सही है। अब ये स्टेटमेंट आपके सामने एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड, तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड करेक्ट है, वो करेक्ट पूछ रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन एक बार और आया, पहले तो मुझे शेड्यूल बता दो कि कौन सा शेड्यूल है एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित, सर अनुसूची टेन, कौन, सर टेन, सर टेन है टेन, पक्का, ठीक है, यस बहुत सर। ग्राउंड बढ़िया बहुत बढ़िया। पहला कह रहा है ग्राउंड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डिफेक्शन आर प्रोवाइडेड इन द टेंथ शेड्यूल, तो ये सही है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर, इफ 1/3 ऑफ द मेंबर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी डिफेक्ट फ्रॉम इट देन इट इज नॉट डिफेक्शन। अच्छा, डिसीजन ऑफ स्पीकर रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। एलेजिस्लेटर इज डीम्ड टू हैव डिफेक्टेड इफ ही डिसोबेज द डायरेक्टिव्स ऑफ द पार्टी लीडरशिप ऑन ए वोट, बताइए। सर सी। सी, 2 और 3 कह रहा है सही है। तो पहले में क्या दिक्कत है, पहला नहीं सही है, अभी तो आप ही ने कहा 10 में 10th शेड्यूल में, बताइए भाई। कौन सा सही है बताइए,
बताइए जल्दी बताइए। पहले तो सही है, पहले में क्या दिक्कत है एंटी डिफ्रेक्शन वाले में? सर उसमें 1/3 मेंबर जो होंगे वही आएंगे सर, मैंने पढ़ा था, मुझे याद तो नहीं आ रहा पहला सर, वाला पर फिर सही है ना, ये करंट तो ऑफ द 1/3 फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन लॉ इज करेक्ट। तो ग्राउंड ऑफ डिसक्वालिफिकेशन ऑफ डिफेक्शन आर प्रोवाइडेड इन द 10th शेड्यूल। आप शेड्यूल देखो जरा, आई थिंक ग्राउंड ऑफ डिसक्वालिफिकेशन नहीं होगा। एक मिनट में देखो, 10th शेड्यूल में ग्राउंड शेड्यूल में 10th शेड्यूल में कुछ और ही होगा। टेंथ शेड्यूल में 1 भी सही है, 1 भी सही है भाई, 1 भी सही है, दूसरा भी सही है आप कह रहे हो, है ना? देखिए दूसरा भी 1/3, और ए लेजिस्लेटर इज डीम्ड टू हैव डिफेक्टेड इफ ही डिसओबेज द डायरेक्शन डायरेक्टिव्स ऑफ द पार्टी लीडरशिप ऑन ए वोट। और 1 and 2, ये वाला डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रिगार्डिंग डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। मुझे लगता है 1, 2, 3 होना चाहिए, जो कि नहीं है इसमें, है ना? ये ऑप्शन गलत मुझे लग रहा है। ये भी सही है, 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 ये भी सही है ना? इसमें ऑप्शन गलत दे रखा है, छोड़ो इस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग SC and ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज? करेक्ट पूछा था ना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग SC ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज अमेंडमेंट एक्ट? ये पहले राजस्थान में था ये सब्जेक्ट, अभी इससे तो नहीं पूछेगा, मुश्किल ही लग रहा है। तो पहला वाला इनकरेक्ट है, नो अरेस्ट कैन बी मेड विदाउट प्रायर परमिशन, ये वाला, ये इनकरेक्ट है, ये सही नहीं, बाकी सब सही है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ग्रांट सिटीजनशिप टू हिंदूज क्रिश्चियन सिख जैन एंड पारसीज फ्रॉम हु हैड अराइव्ड इन इंडिया बिफोर। हाँ, ये जो अभी आया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, वो सिटीजनशिप ग्रांट करता किसको? हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, जैन, पारसी, फ्रॉम अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, फ्रॉम अफगानिस्तान, श्रीलंका एंड बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, तिब्बत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, म्यांमार, कौन सा सही है? अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, ठीक है, ये हो गया अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश। हु हैव अराइव्ड इंडिया बिफोर दिसंबर 2014, ये वाला सही है, दिसंबर 2014, ठीक है। तो 25, चूंकि ये एक्ट भी हाल फिलहाल में बहुत बना था, चर्चा में था, तो दे मे आस्क द क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस एक्ट, है ना, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से रिलेटेड, ठीक है, देख लेना आप इसको। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश। वेयरिंग ऑफ हिजाब इज नॉट ए पार्ट ऑफ एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस इन इस्लामिक फेथ एंड दस इट इज नॉट प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 25 ऑफ भारतीय संविधान। ये हेल्ड किया गया किस केस में? बहुत आसान है, बता दिया था मैंने केस लॉ जब डिस्कस कर रहे थे हम लोग, आराम से पढ़िए चारों ऑप्शन। बताया था भाई, ये गलत बात है। अच्छा स्टेट तो बता दो, कहाँ का था? वेस्ट बंगाल का, या ये वाला कहाँ का है? तो स्टेट लिखा नहीं, बिहार का तो था ही नहीं, है ना, ये तो है ही नहीं, बताओ। ये नहीं है रेशम वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक, 15 मार्च 2022 को डिसाइड हुआ था ना, ये तो अपडेटेड केस लॉ है भाई, इसको तो ध्यान देना चाहिए ना।
हु इज नोन एज द आयरन हैंड्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये भी मैं बता चुका हूँ, चर्चा कर चुका हूँ आपके साथ। आयरन हैंड्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया किसको कहा गया था, बताइए सर भाई। बी जस्टिस वाई वी चंद्र बी है, अच्छा बी कह रहे हैं, ठीक है सही है, ये इनके पिताजी थे, ठीक है चलो। व्हेन वाज द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूटेड, हाँ ड्राफ्टिंग बी कमेटी जो थी भारतीय संविधान की, कब कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, 29 अगस्त 29 अगस्त चालीस बी ऑप्शन सर बी सी बी बी कह बी रहे हैं, 29 अगस्त 1947, ठीक है। करेक्ट पेयर को बताइए, चूज करिए, देखो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल, इरिश कॉन्स्टिट्यूशन कंकरेंट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट नहीं, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ने किया था, नहीं ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन डीपीएसपी, डीपीएसपी तो आइलैंड्स है सर आइलैंड है, हाँ इरिश मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ना, तो ये भी हो यस सर गया गलत आपका, तो बी डी सर गलत, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन ये सही यूएस कॉन्स्टिट्यूशन है ना। अच्छा ये बोला जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ, ये वाला बता दो सही है तो गलत तो है ही है, इसीलिए तो इस पर टिक नहीं किया, तो ये मुझे बता दो प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ कहाँ से बोरो किया गया, जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से जर्मनी से नहीं, सर जर्मनी से तब तो सही होना चाहिए, जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन, सर जापान से जापान से सर हाँ जापान कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक चलो भाई। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन किसके द्वारा हेडेड किया जाता है, हेडेड बाय जस्टिस हेमंत गुप्ता, जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस इंदु मल्होत्रा, जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा, अरुण कुमार मिश्रा सर बी ठीक है। नेशनल एंथम वाज अडॉप्टेड बाय भारतीय संविधान कॉन्स्टिट्यूशन से असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशन से असेंबली सॉरी, अडॉप्ट किया गया था नेशनल एंथम को कब, 24 जनवरी, सर नवंबर, ए 15 अगस्त, 24 जनवरी 1950 24 जनवरी 1950, वेरी गुड, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट अमेंडमेंट बिल 2019 वाज इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा बाय, एक बिल पेश किया गया प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स मानव अधिकार की सुरक्षा संशोधन बिल 2019 लोकसभा में किसके सर द्वारा, अमित शाह अमित शाह, ठीक है। हु सर्व्स एज चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, बहुत आसान है, नीति आयोग का चेयरमैन कौन, प्राइम प्राइम मिनिस्टर से सर मिनिस्टर होते हैं ना, ठीक है। फर्स्ट लोकपाल, भारत का फर्स्ट लोकपाल कौन था, जस्टिस मधुकर हीरा लाल कानिया, पिनाकी ऑप्शन सर चंद्र घोष, अच्छा फर्स्ट लोकपाल ऑफ इंडिया, ठीक है बहुत बढ़िया, ये है ना पिनाकी चंद्र, yes, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू आर्मी वाइस चीफ, तो देखो ये सब पूछ सकते हैं, अभी हाल फिलहाल में अपॉइंट हुए लेफ्टिनेंट जनरल एम वी सुचिंद्र कुमार, ये है ना न्यू आर्मी चीफ है, ठीक है यहाँ से तो नहीं पूछेगा, बट देख लेना, हु वाज अपॉइंटेड एज फर्स्ट अटॉर्नी, हाँ ये सब क्वेश्चन आते रहते हैं, फर्स्ट सर अटॉर्नी डी जनरल इंडिया कौन था, एम सी डी स्टेल ऑप्शन वार्ड, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग होल्ड्स हिज और हर ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ये भी आसान है, सर डी डी है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। व्हाट मैक्सिमम, लोकसभा का मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या है भाई, 530 530, वेरी गुड, ठीक है। रिपोर्ट ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया रिलेटेड टू अकाउंट्स ऑफ यूनियन आर सबमिटेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू विच ऑफ द फॉलोइंग, जो कैग का रिपोर्ट है वो किसको सबमिट किया जाता है पहले, तो आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, प्रेसिडेंट को नहीं किया जाता, प्रेसिडेंट के सामने रखा जाता है। लॉ कमीशन भारत का है स्टेचुटरी बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, एग्जीक्यूटिव बॉडी, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, ये भी एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव बॉडी, ये भी मैं बता चुका हूँ, है ना, कभी कभी पूछेगा कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नहीं है क्या है वो, इस तरीके से। यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स निर्मला सीतारामन इंट्रोड्यूस्ड विच बजट इन अमृत काल, बताइए फर्स्ट फर्स्ट बजट है ना, ये पेयर्स हैं, कमीशन है नेशनल कमीशन, नेशनल कमीशन, नेशनल कमीशन, और फॉल्स अंडर, बताए नेशनल कमीशन 2 एंड 3, नेशनल कमीशन मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन फॉर वुमेन, नेशनल कमीशन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स फॉर शेड्यूल ट्राइब्स, नेशनल कमीशन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस फॉर माइनॉरिटी, विच ऑफ द पेयर गिवन अबो इज करेक्टली मैच्ड, अच्छा ये सेम ही है, ये दोनों मैच हो रहे हैं, बाकी इसका कोई कमीशन नहीं, चलो।
निम्नलिखित में से कौन सा कमीशन एक्सेप्टेड लैंग्वेज एज द क्राइटेरिया फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट? विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन एक्सेप्टेड लैंग्वेज एज द क्राइटेरिया फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट? धार कमीशन, जेबीपी कमेटी, फजल अली कमीशन। अच्छा तीसरा इन्होंने नहीं लिखा है, एक मिनट। ठीक है बताइए, अब सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। फजल अली कमीशन, ये कमीशन था जो लैंग्वेज को एक्सेप्ट किया एज ए क्राइटेरिया फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट, है ना? सी वाला कह देना, फजल अली कमीशन। इफ ए नेशनल इमरजेंसी इज डिक्लेयर ऑन द ग्राउंड ऑफ आर्म रेबेलियन, फंडामेंटल राइट जो आर्टिकल 19 के अनुसार है वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है। दूसरा, प्रेसिडेंट जो है राइट टू मूव द कोर्ट का अधिकार सस्पेंड कर देगा, फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स कराने के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते। तीसरा, इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स गारंटीड बाई जो आर्टिकल 21 और 22 में आपको अधिकार दिए गए हैं, वो भी वो कह रहा कैन नॉट बी सस्पेंडेड, उसको सस्पेंड नहीं कर सकता। अब आप बताइए कि नेशनल इमरजेंसी के संदर्भ में इन तीनों में से कौन सा सही है, कौन सा गलत है? वो क्या पूछ रहा है? हाँ सही पूछ रहा है, मतलब कौन सा फिट होगा इसमें। सर बी दो ओनली। अच्छा, फंडामेंटल राइट जो आर्टिकल 19 के अनुसार है वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड नहीं होता नेशनल। अच्छा हाँ, क्योंकि सर इमरजेंसी में 20 आर्टिकल 20 और 21 सस्पेंड होते हैं, इसमें थर्ड वाला तो वैसे भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें 21 और 22 दे रखा है। ठीक है, प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड राइट टू मूव द कोर्ट फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल, ये सही। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स ऑफ सिटीजन? सिटीजन को बोल रहा है तो कह रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज विच ऑफ द फॉलोइंग राइट टू सिटीजन्स, सिटीजन्स को कौन कौन से राइट्स मिलते हैं, गारंटी करता है इंडियन? स्टडी इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी टू ऑफ आउटकम, इक्वालिटी बिफोर लॉ। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, बताइए। अच्छा, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी जो इम्प्लॉयमेंट में है वो तो सिर्फ सिटीजन को मिलता है ना शायद, ठीक है। और इक्वालिटी ऑफ स्टेटस ये भी सिटीजन को मिलता है। इक्वालिटी ऑफ आउटकम, इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ का कैसे आर्टिकल शुरू होता है, जब आप पढ़ोगे तो कैसे होता है शुरू? आर्टिकल 14 को पढ़ोगे, एवरी पर्सन कहता है कि एवरी पीपल या एवरी सिटीजन, एवरी पर्सन बिफोर द लॉ इज इक्वल कहता है, कैसे कहता है बताइए भाई। फंडामेंटल राइट में जब आप देखोगे फंडामेंटल देखो, इक्वालिटी बिफोर लॉ को अगर आप करोगे तो आर्टिकल 14 आपको पता है, वहीं पे है ना आर्टिकल 14 में, तो आर्टिकल 14 आप ओपन कर लो। अब इक्वालिटी बिफोर लॉ कहता है द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन, पर्सन बोला है, सिटीजन नहीं बोला है, ठीक है। तो ये मैं कहूं कि ये पर्सन के लिए हो गया, सिटीजन के लिए नहीं है। मतलब पर्सन हो, चाहे सिटीजन हो चाहे बाहर का आदमी हो, उसके साथ भी बराबर की चीजें करी जाएंगी, इक्वालिटी फॉलो किया जाएगा। शैल नॉट स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, समझ में आ गया? तो अभी कह रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉलोइंग फॉलोइंग राइट्स ऑफ सिटीजन बोल रहा है ना, तो इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ये वाला सिटीजन को होगा दो। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एक भी आप कह सकते हो, इक्वालिटी ऑफ आउटकम ये एक दो होगा, ऑप्शन में मुझे लगता है गलत कर रखा है सिटीजन, क्योंकि ये भी पर्सन के लिए है, चार तो होगा नहीं, चार इसमें नहीं है, एक दो तीन ओनली, ये एक दो तीन ही होगा, क्योंकि एक इक्वालिटी ऑफ स्टेटस भी सिटीजन को ही होना चाहिए, बाहर का आदमी है तो उसको स्टेटस इक्वल कैसे आप प्रोवाइड करोगे, वो क्लेम नहीं कर सकता। तो ये आप एक दो तीन कर लेना है ना, ए वाला कर लेना, एक मिनट।
गलत दे रखा है, एक ए ही रहेगा है ना, एक अलग। विथ रेफरेंस टू थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी पे निम्नलिखित को आप देखिए स्टेटमेंट और बताइए कौन सा सही है। वो कह रहा है इट फर्स्ट इमर्ज इन द केशव नंदा भारती केस, पहली बार केशव नंदा भारती केस में आया। इट वीकेंड द बैलेंस बिटवीन रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये कहता है जो रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी है भारतीय संविधान में उसको वीकेंड करता है, कमजोर करता है। तो वन वाला सही है ओनली, है ना, बाकी ये गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स कैन बी इशूड अगेंस्ट द प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक अथॉरिटी। अच्छा बताइए भाई, सर हैबिस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस, ठीक है, वेरी गुड, ये प्राइवेट और पब्लिक दोनों। एक्सप्रेशन कह रहा है कि यूनियन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 1 के तहत जो यूज हुआ, प्रयोग हुआ भारत भारत का, भारतीय संविधान का, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये इंक्लूड करता है क्या, स्टेट, यूटी, टेरिटरी दैट इंडिया में एक्वायर इन द फ्यूचर। कर सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। बताइए आर्टिकल 1 में जो यूनियन ऑफ इंडिया का इस्तेमाल हुआ है क्या मतलब उसका, वो कह रहे हैं बताइए। कहता नहीं इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ, सर इट ए होगा, इज ए ओनली ऑप्शन पार्ट इन द फर्स्ट टेरिटरी ऑफ इंडिया, होगा। टेरिटरीज ऑफ द स्टेट, ठीक है, यूनियन टेरिटरीज दिस पार्ट इन द फर्स्ट टेरिटरी सच दैट टेरिटरीज आर रिक्वायर्ड। यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी सच अदर टेरिटरीज एज मे बी एक्वायर्ड, टेरिटरी ऑफ इंडिया शेल कंप्राइज, ये होती तीनों है भाई, 1 2 3 तीनों है, ये नहीं होगा, तीनों है। जब आप पढ़ो आर्टिकल एक देखो ना, डी वाला सही है, ज्यादा सही डी वाला है, क्योंकि तो जब आप आर्टिकल 1 पढ़ेंगे वहां पे है वो, कहता है ना नेचर, नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, वो कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, भारत क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है। फिर सब आर्टिकल 2 में कहता है स्टेट्स एंड टेरिटरीज देयर ऑफ शैल बी एज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। कौन सा स्टेट कौन का टेरिटरी, तो भारतीय संविधान के पहली अनुसूची में देखोगे लास्ट में पहला शेड्यूल है, फर्स्ट शेड्यूल में देखो वहां पर दिया 28 राज्य 7 केंद्र शासित प्रदेश, 8 केंद्र शासित प्रदेश, वो भी वही कह रहे हैं, वही वो मिला के बनेगा इंडिया, भारत बनेगा। फिर 3 में बताता है सब आर्टिकल 3 में टेरिटरी ऑफ इंडिया शेल कंप्राइज, जो टेरिटरी ऑफ इंडिया है वो क्या क्या कंप्रोमाइज करेगा, क्या उसमें शामिल है, वो एक कहता है टेरिटरी ऑफ द स्टेट, दूसरा कहता है यूटी, तीसरा कहता है सच अदर ट्रिटी जो बाद में एक्वायर किया जा सके फ्यूचर में, सब शामिल है, 3 ये सब सही है, डी वाला। तो आप बेराइट से कोशिश करो जितना हो सके पढ़ो और क्लियर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्टेट एज डिफाइंड इन आर्टिकल 12। हाँ आर्टिकल 12 में जो स्टेट की परिभाषा आपने पढ़ी, बहुत आपने पढ़ाया आपको, वो कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टेट के परिभाषा में आएगा, डीएमआरसी दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नीति आयोग, आरबीआई, बताइए। स्टेट की परिभाषा में चारों आ जाएंगे, क्या दिक्कत है, चारों में सरकार ही का है ये, है ना, जब स्टेट की डेफिनेशन पढ़ोगे तो उसमें आएगा ना ये सब, आपको मिल जाएगा, चारों आ जाएंगे। कमिंग क्वेश्चन, वाइस प्रेसिडेंट गिवन हिज रिजिग्नेशन टू, वाइस प्रेसिडेंट किसको रिजिग्नेशन देता है भाई, बहुत आसान है, बहुत आसान है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, डी इसमें क्या, होगा हाँ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। अच्छा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसको रिजाइन करता है, ठीक सर, वाइस प्रेसिडेंट। है गुड, ठीक है। तो ये 50 क्वेश्चन हो गए, इसको मैं शेयर कर दे रहा हूँ आप लोगों को, आप एक बार ना व्हाट्सएप प्राइवेट में कर दो, मुझे पर्सनली कर दो, तो आपको मिल जाएगा। और आज के लिए एमसीक्यूज में इतना ही, कल हम कुछ और टॉपिक लेके आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग शाम में, ओके।